भजनलाल सरकार के पहले पूर्ण बजट से हर वर्ग को काफी उम्मीदें हैं और ऐसे में गौपालक भी उम्मीदें बांधकर बैठे हैं। उनको उम्मीद है कि सरकार गौशालाओं की स्वावलंबी और आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है। देखिए एयरपोर्ट। भजनलाल सरकार अपने पहले पूर्ण बजट में गौशालाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएगी। सरकार के बजट की ओर गौपालक काफी उम्मीदों भरी निगाहों से देख रहे हैं। बजट पूर्व संवाद बैठकों में गौपालकों ने कई मांगे रखी हैं। विभाग ने भी अपने प्रस्ताव सरकार को बजट के लिए भेज दिए हैं। ऐसे में उम्मीद है कि सरकार गौशालाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएगी। इसके लिए पंचगव्य की खरीद के साथ गौ कास्ट को भी बढ़ावा दिया जाएगा। गौ कास्ट मशीनों की खरीद पर अनुदान की घोषणा हो सकती है। गौशालाओं को दिए जा रहे अनुदान में भी बढ़ोतरी हो सकती है। इसकी गौशाला संचालकों की ओर से लंबे समय से मांग की जा रही है। वर्तमान में प्रति गौवंश सरकार की ओर से 40 रुपए अनुदान दिया जा रहा है, जिसे बढ़ाकर सरकार 50 रुपए प्रति गौवंश अनुदान कर सकती है। वहीं दूसरी ओर सरकार की ओर से अनुदान समयावधि में भी बढ़ोतरी हो सकती है। वर्तमान में एक वर्ष में 9 माह का ही अनुदान दिया जा रहा है, जिसे बढ़ाकर 10 या 12 माह किया जा सकता है। आगामी बजट में सरकार से मेरा ये निवेदन है कि सेक्स सॉर्टेड सीमन जो पिछले बजट में 100 करोड़ थे, एक डोज भी नहीं मिला। मेरा निवेदन है कि सेक्स सॉर्टेड सीमन मैक्सिमम किसानों को पूरे राजस्थान में देना चाहिए। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि बच्चियाँ ही पैदा होगी, जिससे सरकार के करोड़ों रुपये बचेंगे, नंदीशाला नहीं खोलनी पड़ेगी और इसके अलावा नस्ल सुधरी और दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा। इससे गौपालकों की ओर से सॉर्टेड सीमन उपलब्ध करवाने की मांग भी पिछले लंबे समय से की जा रही है। सरकार को दिए सुझाव के अनुसार गौपालकों को सॉर्टेड सीमन की उपलब्धता होने पर 90% केवल मादा गौवंश जन्म लेंगे, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी, गौवंश में नस्ल सुधार होगा, दूध का उत्पादन बढ़ेगा और नंदी पैदा नहीं होंगे, जिससे नंदीशाला खोलने की भी आवश्यकता नहीं होगी। पिछली सरकार में बजट 2022-23 और 2023-24 में दोनों बार सॉर्टेड सीमन उपलब्ध कराने के लिए बिंदु संख्या 186 पर 125 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, लेकिन यह बजट घोषणा केवल कागजों तक ही सीमित रही। इससे पहले भी 2022-23 के बजट में भी 10 करोड़ के प्रावधान की घोषणा थोथी साबित हुई। सॉर्टेड सीमन की उपलब्धता की मांग गोपालकों की ओर से लंबे समय से की जा रही है। 2022-23 के बजट में सरकार ने 10 करोड़ और 23-24 के बजट में 125 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया, लेकिन ये घोषणा केवल कागजी साबित हुई और किसानों को सॉर्टेड सीमन की उपलब्धता अभी तक नहीं हुई है। इस बार फिर किसानों को उम्मीद है कि भजनलाल सरकार का पहला बजट है, ऐसे में इस बार गोपालकों के लिए सरकार की ओर से ये घोषणा की जा सकती है। इसके साथ ही सरकार की ओर से गौशालाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में भी कदम बढ़ाए जा सकते हैं। गोकास्ट की मशीनों पर अनुदान के साथ गौशालाओं को दिए जाने वाले अनुदान की राशि और अनुदान के समय में भी बढ़ोतरी की जा सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट नरेंद्र शर्मा के साथ दिनेश कसाना, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।